एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो उससे पहले आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगी जो आप माइंड में रखिए तैयारी करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी, एक वेल तरीके से हो जाएगी, एंड जिससे आपके जो चांसेस हैं नेट क्लियर होने के या JRF क्लियर होने के वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। फाइन, और उसके साथ साथ जो है सम करियर ऑप्शंस जो स्पेशली जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता है कि नेट के बाद क्या स्कोप है या JRF के बाद क्या स्कोप है, ठीक है, करियर में, सो उनके लिए बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि आप नेट करने के बाद या JRF करने के बाद आपके लिए क्या कुछ ऑप्शंस रहेंगे क्लियर करने के बाद, ठीक है, करियर ऑप्शंस क्या रहेंगे। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि करियर ऑप्शंस क्या रहते हैं जब अपना UGC का नेट जो है नेट एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्या कुछ ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, सिंपली अगर आपका जो है नेट क्वालिफाई होता है तो उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है उसका नेट क्लियर हुआ है, उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई कर सकता है, विदाउट नेट जो है वो अप्लाई ही नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सो उसमें नेट होना तो मस्ट ही है, नेट के विदाउट नेट आप उसमें जो है अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें पढ़ते हैं हम। वंस यू क्लियर UGC नेट, जब आपने UGC नेट क्लियर कर लिया है सो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाओगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका JRF क्लियर हुआ है, JRF की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये बेसिकली क्यों होती है, ये PhD के लिए होती है। जिन भी पर्सन्स ने आगे डॉक्टरी करनी है, ठीक है, डॉक्टरेट जो है बनना है, ठीक है, PhD करनी है, रिसर्च वर्क करना है, जो इसमें इंटरेस्टेड है, सो वो बेसिकली उनके लिए JRF जो है करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है विदाउट JRF PhD नहीं होगी, बट JRF होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो मिल जाते हैं। फाइन, उसके बाद जो है किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वैकेंसीज निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आपका जब नेट का एग्ज़ाम, नेट मींस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये क्लियर करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आता है सबसे पहला तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके जॉब के लिए आप किसी भी वैकेंसी जहाँ पे भी आती है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नेट है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है, किसी कहीं भी अप्लाई करने से पहले। ठीक है, जब आपकी मास्टर्स हो जाती है, बेसिकली नेट में आपकी मास्टर्स भी होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी आप फील्ड के हैं, ठीक है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आपकी BCOM के बाद MCOM होनी चाहिए, यानी कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, तभी आप कॉमर्स का नेट दे पाओगे या उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई और नेट नहीं दे सकते, आपकी अगर MCOM है तो आप मैनेजमेंट में भी नेट जो है वो दे सकते हैं, बट मैनेजमेंट में अगर आपने पहले MBA की है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके करियर के लिए, ठीक है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, जिस भी आपका फील्ड में आप हो उसी फील्ड का आप नेट क्लियर कीजिए तो वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि नेट क्लियर करने के बाद आपकी जॉब पक्की है, हाँ भी लगी गई है, ऐसा नहीं होता है। जो अपॉइंटमेंट होती है वो कई सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। इंटरव्यू में आपके पास कुछ एक आर्टिकल्स भी होने चाहिए, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तो मैटर करती ही करती है। ठीक है, आप कितना वेल परफॉर्म्ड कर रहे हो वो तो मैटर करता ही करता है, उसके साथ साथ जो है आपके पास अगर सम और आर्टिकल्स हैं या कुछ रिसर्च पेपर्स हैं तो उसके भी आपके जो मार्क्स हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे, यानी कि JRF। नॉर्मली क्या होता है, जो नेट होता है उसमें 40% जो है वो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है 6% जो टॉप 6% होते हैं ना, उनको ही जो है क्वालिफाइड लिस्ट में उनका ही नेम आता है। ठीक है, जिनके टॉप 6% में आते हैं, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट जाती है। फाइन, सो ना उनमें से भी, मतलब जो टॉप 6% होते हैं उनमें से भी ना कुछ जो बिल्कुल हाईएस्ट पे होते हैं, ठीक है, के मार्क्स होते हैं उनमें से कुछ जो परसेंटेज है वो JRF के लिए क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, सो अगर आपका JRF क्वालिफाई है तो उससे पहले आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, मतलब पहले आपका नेट क्वालिफाई होगा उसके बाद आप JRF पे जाएंगे। ठीक है, इसमें होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप है बेसिकली जिनका मेन होता है रिसर्च पे, जिनका इंटरेस्ट होता है या कह लो जिन्होंने करनी है भी, हाँ भी हमें रिसर्च वर्क करना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि वो उनका JRF क्लियर हो। ठीक है, नॉर्मली वो किसी भी PhD किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट दे के क्लियर करके भी वो PhD कर सकते हैं, बट अगर आपका JRF क्लियर होगा ना सो आपको अनदर बेनिफिट्स भी जो है वो कई सारे मिलते हैं। ठीक है, लाइक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, सो जो भी आपका खर्चा होता है
वो उसी में से कवर अप हो जाता है। फाइन, इसके बाद क्या होता है, बेसिकली नेट क्लियर करने के बाद जो है आप JRF के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो फॉर्म होता है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें ध्यान रखिए उसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एक होता है अप्लाई फॉर बोथ, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर अपना आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, आपके जो कट ऑफ गई है JRF के उतने मार्क्स हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली किया है, देन भी आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जो अगर आपने JRF के लिए JRF क्वालिफाई करना है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, उसमें जो ऑप्शन होता है दैट इज मतलब अप्लाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ, सो आप उसी पे भरिए, ठीक है। उसके बाद ही जो है आप JRF के लिए एलिजिबल जो है माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेसिकली सिलेक्ट होने के बाद जो है आपको, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, देन आपको अगर आप PhD के लिए एनरोल करते हो फर्दर, तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। फाइन, सो इसके बाद जो है आप MPhil में भी, अगर आपका नेट क्लियर है ना, सो नेट के बाद आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप MPhil कर सकते हो। MPhil में भी जो है रिसर्च वर्क ही होता है, ठीक है, बट अगर आपकी MPhil होगी तो आपके लिए PhD बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप मास्टर्स करने के बाद जो है आपका नेट क्लियर है, तो आप MPhil में भी जा सकते हैं। उसमें आपका डायरेक्ट जो है, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे जो है मास्टर्स करने के बाद अगर नेट क्लियर है, तो आपका डायरेक्टली जो है वो MPhil में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एंड MPhil में भी आपका रिसर्च वर्क होगा, सो आपका आधा से ज़्यादा वर्क तो MPhil में हो जाएगा, सो आपके लिए PhD बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है। एंड PhD करने के बाद ऑब्वियसली सी बात है, आपका एक तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा जो है, आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में जो है आप इजीली जो है जॉब ले सकते हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, देन आगे फर्दर एसोसिएट प्रोफेसर की, देन फर्दर आप प्रोफेसर की जो है वो प्रमोशन होती रहती है, ठीक है, जिसकी सैलरी जो पे स्केल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल है वो 57,700 से स्टार्ट होता है, सो बहुत ही अच्छा पे स्केल इसका कर दिया है UGC ने, ठीक है। आगे हम चलते हैं कुछ टिप्स पे, कुछ टेक्निक्स पे। अब आपको ये तो पता लग गया कि हाँ भाई, हमें नेट क्लियर करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या हम नेट JRF करने के बाद हम PhD के लिए एनरोल कर सकते हैं, हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है, हम फर्दर डॉक्टरेट हो जाएंगे, ठीक है, हम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये तो पता लग गया हमें नेट क्यों करना है, हमने टारगेट सेट कर लिया कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो दैट्स वाई हमें नेट करना पड़ेगा, ठीक है, करना ही होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें कुछ आर्टिकल्स भी लिखने होंगे, ताकि हमारी जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है, जो मार्क्स हैं वो अच्छे हो जाएं, एंड हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो हमें उसके लिए नेट क्लियर करना होगा ना, सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो हमारी नेट ही आती है, ठीक है। सो नेट क्लियर करने से पहले कुछ टिप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला तो है प्रिपेयरिंग वेल इन टाइम, ठीक है, मतलब आप जो है सबसे पहले तो जो है आप कम से कम 3 to 6 months जो है वो मैंडेटरी है कि आप दीजिए ही दीजिए जो प्रिपरेशन है उसको, ये नहीं कि आप एक महीना करके जो है छोड़ दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है, अगर आप किसी ने नेट की तैयारी करनी है ना, तो वो थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी कर सकता है, ठीक है। वाइल अंडर गोइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जब आप मास्टर्स कर रहे हो, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उस टाइम भी जो है आप प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट अपनी कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में वेट ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जिस भी, अगर फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स का नेट दे रहे हो, ठीक है, सब कॉमर्स का सिलेबस जो है वो पढ़ रहे होते हो, आप स्टडी के लिंक में होते हो, ठीक है, एंड वो फ्लो में वो लिंक जो है आपका बना हुआ होता है, तो उस टाइम करना बेस्ट रहता है तैयारी, क्योंकि उस टाइम जो है चीज़ें आप जो अपने सेमेस्टर्स एग्जाम्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनके लिए तो पढ़ते ही हो, एंड साथ ही साथ थोड़ा और डिटेल में पढ़ के आपका उस टाइम पे नेट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हो, तो आपको वापस सारा सिलेबस जो है वो रिपीट करना पड़ता है, वापस लिंक जो है कई बार स्टडी से टूट भी जाता है थोड़ा बहुत, सो आप उस टाइम से थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, अगर आप करते करते नेट क्लियर हो जाता है तो बेस्ट है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप करते हो, तो कम से कम जो है आप 3 to 6 months की तो प्रिपरेशन, उसे जो टाइमिंग है प्रिपरेशन को वो दीजिए ही दीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन जो है वो प्लान्ड होनी चाहिए, प्लान भी करो, एंड साथ ही साथ इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करो कि रिविजन का स्कोप भी रहे उसमें, ठीक है। आपने प्लानिंग कर ली अच्छे से कि हाँ भी हमने इतने टाइम में तैयारी करनी है, हमने इतने टाइम में ये सब्जेक्ट करना है, बट उसके बाद जो है पेपर आ गया नज़दीक, आपका भी सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ, ठीक है, रिवीजन तो आप कब करोगे, ठीक है। सो इस तरीके से प्लान कीजिए स्टडी को,
मैंने जो 70 डेज में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो और अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई है, जिसमें आपको रिवीजन का भी स्कोप मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक है, नॉर्मली अगर 3 to 6 months हैं तो उसमें आपको ईजिली जो है आप सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हो। इस तरह से प्लान कीजिए एंड प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, जो आपने प्लान बनाया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कीजिए उसे अच्छे से। एंड उसके बाद जो है इतना सफिशियंट टाइम रखिए कि आप सारा का सारा जो सिलेबस है वो एक बार रिकॉल कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब अब हमने 6 महीने पहले जो स्टार्टिंग में सिलेबस पढ़ा था वो पेपर आते आते तक तो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो जाता है, ठीक है, लाइक ईयर्स हैं या हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, सो उनको जो है रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो रिविजन का आप स्कोप छोड़िए, ठीक है। उसके बाद जो है पास्ट क्वेश्चन, इनको आप ज़रूर रेफर कीजिए, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको आप स्टडी कीजिए, ठीक है, उनको आप सॉल्व कीजिए। इससे क्या होता है, बेसिकली जो एक पैटर्न होता है ना एग्जाम का, उससे एक बंदा फैमिलियर हो जाता है। स्पेशली जिस बच्चे ने फर्स्ट टाइम पेपर देना, उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि किस टाइप का पेपर आता है, क्या उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, क्या उसका पैटर्न रहता है, ठीक है। सो उसको बिल्कुल भी अगर आइडिया नहीं है सो उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करे, ताकि जब मौके में वो पेपर देने जाएगा तो उस टाइम पर उसे मतलब यू नो वो पैनिक ना करे, ठीक है, उसे मतलब बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूजन ना हो। अगर उसने पहले से पेपर सॉल्व कर रखे होंगे उसे प्रॉपर पता होगा कि क्या पैटर्न रहता है पेपर का, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऐसे ऐसा होता है, तो उसको मौके पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जितने हो सके प्रैक्टिस सेट निकालिए पेपर के, ठीक है, उन्हें अच्छा से मतलब पेपर को देखिए, ठीक है, उनमें से सॉल्व करिए कुछ ना कुछ पेपर्स, ठीक है, इससे आपको आइडिया जो है मिल जाता है। एंड उसके अलावा जो है अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस ने मतलब आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ कर लिया बाकी सिलेबस छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये होता है कि जिसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरा जो होता है जो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, मतलब आप उनको फर्स्टली आप उनको पहले कर लीजिए, और ताकि और ज़्यादा अच्छे से कीजिए, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चंस कंफर्म है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपको वो अच्छे से हो जाए। बाकी भी करने होते हैं बट वो ज़्यादा थोड़ा सा आप उसे बस थोड़ी सी प्रायोरिटी दे देते हो, दैट्स इट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी आप लिस्ट बना लीजिए, एंड एट द सेम टाइम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए आप टीचर्स एंड सीनियर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, फाइन। एंड इसके साथ साथ जो है जो मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की हुई है जो कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। सो आप उसकी भी वीडियो देखिए, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिसमें से हर बार जो है रिपीट होता है सिलेबस, फाइन। आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ गेनिंग फैमिलिटी विद द सब्जेक्ट सिलेबस। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सारा का सारा सिलेबस है उसको आप थोरली स्टडी कीजिए, पहले उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस कम्प्लीटली एंड प्रिपेयर फॉर ईच टॉपिक अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसमें क्या होता है भी हर एक टॉपिक, मतलब आपने सिलेबस ही नहीं देखा, आपने जस्ट स्टार्ट कर दिया तो इससे आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। पहले अच्छे से जो सिलेबस होता है नेट का उसको अच्छे से देखिए, उसका एक एक टॉपिक देखिए कि इसमें क्या कुछ है, एंड उसे टॉपिक वाइज जो है वो आप तैयारी कीजिए, ताकि कोई भी टॉपिक आपका जो है वो छूट ना जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है सो अगर कोई भी आप टॉपिक छोड़ोगे तो वो नहीं सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, सो कोई भी आप टॉपिक छोड़िए मत, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, दैट इज़ प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है, जो भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि हमने कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है। नॉर्मली जो आपका सेकंड पेपर होता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, लाइक आपका कॉमर्स का पेपर है, ठीक है, उसमें जो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ बड़े यूनिट होते हैं, कुछ छोटे यूनिट होते हैं, कुछ आपके इंटरेस्ट के यूनिट होते हैं, ठीक है, जिसको आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ठीक है, अच्छे से आपको पता है, सो उनको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। नॉर्मली जो होता है दो पेपर होते हैं, ठीक है, जो पेपर सेकंड होता है वो सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है जो आपकी चॉइस का होता है। अगर आप कॉमर्स का दे रहे हो, आप मैनेजमेंट का दे रहे हो, ठीक है, आप हिस्ट्री का दे रहे हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। जो पेपर वन होता है वो जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड पे बेस्ड होता है, ठीक है। सो जो मेन होता है ना कि जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आपका कंप्लीट होल्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें से स्कोरिंग करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है, फर्स्ट पेपर भी होता है
स्कोरिंग, उसमें भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो एवरेज अच्छी बनाने के लिए। बट आप खुद सोचिए, जो सब्जेक्ट आप प्लस वन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, इलेवेंथ क्लास से जो आप सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं मास्टर्स तक, सो उसमें आपकी ज़्यादा कमांड होगी, ठीक है। सो जो सेकेंड पेपर होता है ना, उस पर जो है आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में लाइक कुछ बच्चों को DI जो है या जो पैसेज है या मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग है या हायर एजुकेशन है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। सो बेटर इफ़ कि आप जो है जो आपका सेकेंड पेपर है, जो मेन आपके सब्जेक्ट का है, जिसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ही कम आता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव ही होता है, सो ऑब्जेक्टिव में जो प्रैक्टिकल बड़े बड़े सम तो आते नहीं है, ठीक है। सो उसमें जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है उसकी जो है पहले से अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। और जो सेकेंड पेपर होता है वो होता भी थोड़ा सा बड़ा है, उसका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा वास्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। सो आप उसको अच्छा खासा टाइम दीजिए, क्योंकि वो आपने पढ़ भी रखा होता है पहले, तो आपके लिए उसमें कमांड करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, फाइन। अगर बस उसमें ज़रूरत है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो साथ साथ जो है आप सेकेंड पेपर तो कीजिए, साथ साथ जो फर्स्ट पेपर है उसके ना थोड़े बहुत जो जर्नल अवेयरेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप करते रहिए, ठीक है। कई बार जो है ना वो एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर होता है उसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, या जर्नल अफेयरेंस जो स्टैटिक जी की होती है उनमें से भी एक दो क्वेश्चन, लाइक हायर एजुकेशन है, इनमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके में से आते हैं, एक दो करंट अफेयर्स में से आते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो मेन जो है जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जो यूनिट आपको अच्छा लगता है, आप उसे पहले कीजिए, ताकि एटलीस्ट आप उसमें आप अपना पूरा अच्छे से होल्ड बना लें, ठीक है। अगर आप मान लो कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स में जो इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट का यूनिट है वो बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा है, आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, सो इन यूनिट्स को आप पहले कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स में अच्छे से होल्ड हो जाएगा, आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होंगे तो शुरू में आप पैनिक भी नहीं होंगे। आप शुरू में बहुत बड़ा यूनिट, यू नो, बहुत टफ यूनिट उठा लोगे, सो उससे आप पैनिक कर जाओगे कि अबे मतलब शुरू में ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो आगे जाके कितनी आएगी, ठीक है। सो वो एक साइकोलॉजी बन जाती है। सो स्टार्टिंग में आप पहले इजी कवर कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट आप उनमें से भी, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर यूनिट्स में से आते हैं, सो इक्वली ही इंपॉर्टेंट रहता है हर यूनिट ही, ठीक है। सो इस वजह से जो आप उनको पहले कर लीजिए, ताकि उनके वो पक्के हो जाएं। उसके बाद जो है बीच बीच में से आप एक टफ यूनिट भी उठाइए, ताकि जो है बाद में लास्ट में इकट्ठा बर्डन आ जाए आप पे, ठीक है। सो आप जो है ईजी यूनिट पहले उठाइए, उसके बाद टफ उठाइए, उसके बाद थोड़े से और ईजी उठाइए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मतलब इंटरेस्ट के हैं उन्हें आपने पहले कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो टफ यूनिट है एक आधा, या फिर कोई बड़ा यूनिट है लाइक अकाउंट्स है, लाइक टैक्स है, ठीक है, कॉमर्स में, ठीक है। सो उसमें जो है आपने उसके बाद वो यूनिट कर लिया आपने, उसके बाद जो है फर्दर आपने एक आधा और ईजी छोड़ दिया बाद लास्ट में करने के लिए। इससे क्या होगा, थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, एंड जो टफ यूनिट है वो ना तो आपको पहले एक साथ इकट्ठे करने पड़ेंगे, ना ही आपके आपकी जो माइंड है उस पर प्रेशर आएगा लास्ट में, ठीक है। सो उसको जो है प्रायोरिटाइज करके चलिए, फाइन। उसके बाद क्या बोलता है, इसमें नॉर्मली लिखा हुआ है कि जो UGC नेट है ना, पहले तो क्या होता था कि हमें ना जो क्वालिफाई करना होता, दैट्स इट, जो फर्स्ट पेपर होता था हमें उसमें 40% मार्क्स लेने होते थे, ठीक है। 40% के बाद पहले क्या होता था, दो पेपर होते थे, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड, ठीक है। सो उसके बाद जो है उन दोनों को इवैल्यूएट किया जाता था, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड में कितना स्कोरिंग है, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होता, अब लगभग जो है पेपर जो है वो थर्ड तो रिमूव ही कर दिया, या रिमूव नहीं किया एक्चुअली, में मर्ज कर दिया है पेपर सेकंड में, ठीक है। सो एक ही पेपर होता है पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। एंड इसमें जो अब एग्रीगेट देखा जाता है, ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट ओनली आप ये मैं टारगेट रखिए कि हमें 40% लेने, हमें क्वालिफाई करना है, हम जितने ज़्यादा ले सकें उतना ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि जो एवरेज है, जो एग्रीगेट है, वही काउंट होता है कट ऑफ लिस्ट निकालने के टाइम पे मेनली, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपको टिप देना चाहूँगी वो मैं ये है कि आप नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आप वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक्स में से पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी कोचिंग सेंटर पे लगे हुए हैं, कैसे भी आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे BCom की बुक्स में से, चाहे आप किसी भी बुक्स में से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो है आप नोट्स बनाइए, क्योंकि सब में डिटेल्स लिखा होता है, डिटेल स्टडी होती है, ठीक है। एंड नोट्स जो है मेनली जो है ऑल सब्जेक्ट्स पे ही अप्लीकेबल होता है, जो पेपर 2 के होते हैं, एंड साथ ही साथ पेपर 1 के भी आप कुछ यूनिट के नोट्स बना सकते हो। जो DI वगैरह है उनके ज़्यादा नोट्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है, या जो पैसेज है उसके कोई नोट्स वगैरह इतने नहीं बन पाते हैं, ठीक है। बट जो एट द सेम टाइम कुछ जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इनके बन जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जो है
या तो एक बड़ा रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोई A4 साइज़ के जो बड़े बड़े पेजेस आते हैं, ठीक है, ब्लैंक पेजेस आते हैं, आप उनको ले लीजिए, ठीक है, कैसे भी आप कर लीजिए। उसमें क्या आप बनाइए, 3 कॉलम्स बनाइए, ठीक है, उसमें आप बनाइए जो पेज है उसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए लाइक दैट, ठीक है। अब आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो लेफ्ट वाला जो इधर वाला सेक्शन है ना, इसमें जो है आप मेन टॉपिक लिखिए, ठीक है, इसमें जो है लाइक आपने फॉर एग्जांपल इसमें आपने कोई भी जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक लिख लिया, ठीक है, या फिर जो इस इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका फॉर एग्जांपल आपने कोपरा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। सो इधर आपने लिख लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा, ठीक है। उसके बाद जो ये जो मिडिल वाला होता है ना, इसमें आप जो मेन में जो रेलिवेंट पॉइंट है डिटेल नहीं लिखनी, डिटेल तो हमारे पास बुक्स में पड़ी है, ठीक है। हम नोट्स बनाते किस लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर्पज़ के लिए, ठीक है। हम अभी नोट्स बनाएंगे, सो इससे हम नोट्स बनाएंगे तो अभी हमें ज़्यादा याद होगा, अच्छे से याद होगा। एंड जो मौके पे जब पेपर होता है ना, उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी की सारी डिटेल्ड रिवीजन वापस दोबारा कर सकें, ठीक है, सारी की सारी। सो उस टाइम पे होता है जो मेन जो हर एक टॉपिक में से पॉइंट्स होते हैं हम उनको ऊपर से रीड कर लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास अगर शॉर्ट में नोट्स बने होंगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो बीच वाला सेक्शन है ना, इसमें आप क्या कीजिए, इसमें जो मेन जो टॉपिक के बारे में डिटेल है, जो मिडिल वाला कॉलम है, उसमें क्या किया जी, आप मेन डिस्कशन कीजिए टॉपिक की, ठीक है, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, ठीक है, इसमें क्या कुछ होता है, क्या पावर्स रहती हैं, सो मेन आप इसमें लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है ये अमेंडमेंट्स या अपडेशन के लिए छोड़िए। अब किसी भी टॉपिक में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, स्पेशली जो एक्ट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉ यूनिट है, सो ऐसी चीज़ों में जो है अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। हायर एजुकेशन है, उसमें नई नई पॉलिसीज बनती रहती हैं जो फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, कोई भी एडिशन हुआ है, कोई भी अपडेशन हुआ है, कोई भी चेंजेस हुआ है, ठीक है, वो सब आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेफरेंसेस लिख सकते हैं, लाइक आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसी भी वीडियो लेक्चर से किया, ठीक है, उसके बाद जब आप रिवीजन करने लगे आप भूल गए मैंने किस में से किया था, ठीक है, उस टाइम पे कई बार होता है ना माइंड स्लिप हो जाता है कि हमने ये टॉपिक किस में से किया था, ये टॉपिक कौन सी बुक में से किया था, ठीक है, सो हम वो भूल जाते हैं, ठीक है। सो आप एक साइड पर क्या कीजिए, यहाँ पर लिख के रख लीजिए कि हमने ये वाला टॉपिक कहाँ से किया था, कौन से बुक में से किया था, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे जो है सर्च करने का जो है टाइम ना जाए, आप डायरेक्टली उसे खोल के रिवाइज कर सको, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें कोई भी अपडेशन हुई है, कोई भी अमेंडमेंट्स हुई है, वो आप थर्ड सेक्शन में लिख सकते हो, फाइन। सो ये था कि आप नोट्स बना के रखिए, ठीक है, नोट्स बेसिकली जो आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं, फाइन। आगे हम क्या बोलते हैं, जो अब नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ बिल्ड अपॉन स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन। सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, सब्जेक्ट सिलेबस पूरा करना, यही नहीं ज़रूरी होता। अगर आप एक टॉपिक को 10 दिन दे रहे हो, सो एट द सेम टाइम वो आपकी इफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। आप वो पूरी डिटेल में कर रहे, अच्छे से कर रहे टॉपिक, बट अगर आप 10 दिन उस टॉपिक को, एक टॉपिक को दे दोगे तो आपका तो 50% सिलेबस ही हो पाएगा पेपर तक, ठीक है। फिर ऐसे भी मतलब हम नहीं कर सकते ना। सो मतलब इस टाइम इसमें क्या होता है, बेसिकली जो है भी हमें जितने भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन होते हैं ना, वो सारे के सारे कंप्लीट करने होते हैं। ऐसे नहीं हमें आधा सिलेबस करके जाना है, ठीक है, वो सारे के सारे कंप्लीट है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ना, ठीक है। सो क्वालिटी भी जो है माइंड में रखिए जब आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है। आप कंसंट्रेट करिए कि हम प्रिपरेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए अच्छे से, प्रॉपर अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए। आप बेसिकली टारगेट लेके रखिए कि हाँ भाई हमें 3 दिन में ये टॉपिक करना है, या ये पूरा यूनिट जो है हमें 5 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। और उस टारगेट से जो है पीछे मत हटिए। अगर टारगेट नहीं पूरा हो रहा तो आपको अगर रात को भी पढ़ना पड़े बैठ के, या अपना मतलब ज़्यादा टाइमिंग आपको अपना देना पड़े, तो आपको आप दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। बट अपना आप अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और आपको जो है ये पता होना चाहिए कि हमें क्या स्टडी करना है और कितना स्टडी करना है, ठीक है। अगर आपने चक्के पुथा जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दी आपने, ठीक है, आपने मतलब सिलेबस नहीं देखा, कुछ और नहीं करता, टॉपिक कभी कोई उठा लिया, कभी कोई उठा लिया, सो ऐसे तैयारी नहीं होती है, ठीक है। आप प्रॉपर जो है एक स्ट्रेटेजी बनाइए, आप प्रॉपर जो है वो टारगेट लीजिए। एक दिन आपने टारगेट ले लिया कि नेक्स्ट 5 डेज में मैंने टेक्स्ट का यूनिट कंप्लीट करना है, ठीक है। और टेक्स्ट में जो है मैंने पहले टॉपिक से स्टार्ट करना है या लास्ट से स्टार्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मैंने ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। और कोई भी जो है जब आपका टॉपिक होता जाए ना, जो आप सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एंड जो सिलेबस है उसमें आप मार्क करते रहिए पेंसिल से या पेन से कि हाँ भाई मेरा ये टॉपिक हो गया, मेरा ये टॉपिक हो गया। इससे क्या होगा, मतलब कोई भी टॉपिक है वो आपका रहेगा नहीं, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपको
स्टडी करना है एंड आपको कितना स्टडी करना है, सो वो चीज़ आप पहले से सेट करके रखिए, ठीक है, जिससे आपकी जो स्पीड है एक वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपको देना चाहूँगी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, कोई भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक, एंड टाइम मैनेजमेंट स्पेशली डिपेंड करती है कि आपका सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, मतलब कैसा है। कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, ठीक है। मतलब सम और बोथ होते हैं, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। अब जैसे अकाउंट्स है उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम थ्योरी भी होती है। जो इंटरनेशनल बिजनेस है या बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें सारी की सारी ही लगभग उसमें लगभग क्या है ही थ्योरी सारी, ठीक है। उसके बाद जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है, रिसर्च है वो आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है, बट जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है। सो ऐसा रहता है भी कुछ यूनिट प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। सो टाइम आपको मतलब कौन सा यूनिट आप उठा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल पोर्शन उठा रहे हो तो ऑब्वियस इसी बात है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा, आप सॉल्व करके देखोगे चीज़ों को तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम आपका ज़्यादा जाए, ठीक है। सो मेन इसमें यही है कि आप एक टाइम को जो है वो सेट करके चलिए कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ 2 दिन में करनी है तो 2 दिन में करनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप देख लीजिए कि हाँ भाई कैसा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि इसको मुझे कितने दिन देने चाहिए, इसको मैंने कितने दिन देने चाहिए। इस चीज़ की भी मैंने वीडियो जो है 70 डे स्ट्रेटेजी है उसमें ये चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन की है कि आपको किस यूनिट को कितने दिन देने चाहिए या कितने दिन देने बनते हैं, ठीक है। सो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है दैट इज कॉन्फिडेंस, ये तो मस्ट है, ठीक है। कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस तो होना मस्ट है। चाहे आप पेपर में बैठे हो, चाहे आप तैयारी शुरू कर रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी तैयारी कंटिन्यू है आपकी, मतलब चल रही है, मतलब किसी भी स्टेज पे जो है आप कॉन्फिडेंस रही है, ठीक है। आप ये लेके चलिए मन में कि मेरा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेगेटिविटी जो है वो मत लाने दीजिए माइंड में, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि मेरा पेपर हो जाएगा और उसी से ही आपकी तैयारी होगी, ठीक है, अच्छी तैयारी होगी। एंड ये बात ऑब्वियस इसी बात है, ये फैक्ट है, जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस है वो आउटकम होता है ऑफ योर डिग्री ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। जितनी आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। अगर आपका 50% सिलेबस हो गया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आपका 80% हो जाएगा तब और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप MCQs कर लोगे, आप अच्छे से रिविजन कर लोगे तब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस जो है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर रखिए, ठीक है, ये मान के चलिए कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।